दोस्तों ये है 2024 मॉडल KTM की RC 200, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड से जो पूरी गाड़ी है कुछ इस तरह से दिखने वाली है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, और ये बिल्कुल नया कलर है, एकदम ज़बरदस्त वाला कलर है। तो सबसे पहले फ्रंट पर देख सकते हैं तो विंड ग्लास जो है कुछ इस तरह से रहने वाला है इस गाड़ी का। देख सकते हैं विंड शील्ड जो है काफ़ी ज़बरदस्त कलर के साथ रहेगा। मिरर ये पूरा एल्युमिनियम पर बढ़िया टाइट किया गया है और काफ़ी अच्छा एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रहता है। ये इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, ये भी फोल्ड हो जाएगा ऐसा ही। तो गाड़ी आपको ये मिरर इसका कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर RC लिखा मिलेगा और ये आपका क्रोम फिनिशिंग के साथ LED वाले ब्लिंकर मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। आप देख सकते हैं LED इंडिकेटर्स KTM देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा, और ये LED वाले DRLs आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। नीचे से देखेंगे कुछ इस तरह से जलता हुआ दिखेगा। अब इसी के अंदर देखेंगे तो LED वाली इसके अंदर टेल लाइट मिलेगी, जो है हेडलाइट मिलेगी, और ये आपका स्प्लिट में अलग अलग रहेगा। देखिए बीच में यहाँ पर ये एल्युमिनियम का जो है दिया गया, एल्युमिनियम का मजबूती के लिए इसको रोका गया है, ये देखिए। और यहाँ पर भी सेम टू सेम ये सेटिंग मिलने वाली है, सेम लाइट इसकी, नंबर प्लेट यहाँ लगेगा। और साइड से आप देखेंगे गाड़ी तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑरेंज कलर के ये आपको स्टिकर मिलेंगे। ये कलर जो है बिल्कुल नया कलर है इस गाड़ी का, आप देख सकते हैं RC 200 यहाँ पर लिखा मिल जाता है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से कब्स दिखेंगे मिलेंगे, KTM यहाँ पर लिखा मिलेगा, रेडी टू रेस की ब्रांडिंग यहाँ पर इस ग्राफिक्स आएगा। फ्रंट का जो टायर है कुछ इस तरह से व्हील्स के साथ रहेगा, और ये WP FS के बिग पिस्टन देखिए यहाँ पर लिखा है। सस्पेंशन रहेगा 43 mm का डायमीटर, WP की ब्रांडिंग, रिफ्लेक्टर मडगार्ड मेट ब्लैक फिनिशिंग के साथ एकदम तगड़ा टायर। 110x70 का 17 इंच का व्हील मिलेगा आगे, और 17 इंच से ही पीछे भी रहेगा इसका व्हील। 230 mm का डिस्क ब्रेक डुअल चैनल ABS के साथ। और टायर की बात करें तो रियर का जो टायर है वो 150x60 का रहेगा 17 इंच का, और डिस्क ब्रेक देख सकते हैं ABS आपका डुअल चैनल आएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला वो 158 mm का रहेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, और इंजन इस तरह से मिलने वाला है। आप साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस रेडिएटर आपको मिलेगा, ये गाड़ी लिक्विड कूल है। और यहाँ से देखेंगे तो इसमें आपका ग्रिल दिए गए है सेफ्टी के लिए, मजबूती देख सकते हैं आप। अब इसकी जो एलॉय है कुछ इस तरह से ब्लैक कलर की रहेगी, 320 mm का फ्रंट पर डिस्क ब्रेक डुअल चैनल ABS के साथ बाइबर का डिस्क का सेटअप रहने वाला है। साइड से ये गाड़ी कुछ इस तरह से दिखने वाली है। अब इसमें साइड स्टैंड मिलता है खाली एक ही, और साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर है। गियर लीवर काफ़ी बढ़िया दिया गया, ये देखिए। और इसके अंदर एक चीज़ तगड़ा अपडेट आया है, सबसे पहले आप इंजन इस साइड से देख लीजिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर फैन मिलेगा, रेडिएटर का फ़ैन, जो गाड़ी 100 पे पहुँचेगी 100°C तो ये चालू हो जाता है हीटिंग कम करने के लिए। और यहाँ पर ब्रेक जो है गियर लीवर कुछ इस तरह से जो है, और उसके बाद फुटेज काफ़ी अच्छा। अब ये देखिए अंडर कवर के साथ चेन कवर, ये देखिए ये पूरा जुड़ा हुआ है, एकदम तगड़ा चीज़ भाई है ये चीज़। इससे गाड़ी बहुत ही प्यारी दिख रही है, देखो ये देखिए। अब यहाँ पर अंडर बेल एक जोश मिलेगा, और 10 स्टेप एडजस्टबल ये आपका सस्पेंशन है 10 बार एडजस्ट करने वाला WP FX के। यहाँ पर भी ये गार्ड मिलेगा, देखो काफ़ी मजबूती। अब इसके अंदर जो सबसे तगड़ा चीज़ है वो मैं बताने वाला हूँ, ये स्टील ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है इसके अंदर। ये अलग अलग देख सकते हैं, अगर ये टूटे तो ये चेंज कराना पड़ेगा, ये टूटे तो ये वाला, एक साथ में पूरी चेसी नहीं बदलवानी पड़ेगी इस गाड़ी का आपको। तो ये चीज़ आपको कैसा लगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब चलिए इंजन की बात करते हैं, तो सेल्फ स्टार्टर यहाँ पर आपको दिख ही गया होगा, किक है ही नहीं इसमें आपको दिख ही रहा होगा। तो ऑयल फिल्टर यहाँ पर, ऑयल फिल्टर दिया गया है, इंजन ऑयल यहाँ दिखाएगा, इंजन ऑयल यहाँ से पड़ेगा। इंजन है 199.50 cc लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन, और माइलेज आपको 40 का देगी, 6 गियर की गाड़ी है। मैक्सिमम पावर है 24.6 bhp का 10,000 rpm पे भाई, R15 version 4 का सीधा कंपटीशन में ये गाड़ी आती है। और मैक्सिमम टायर 19.2 nm का 8,000 rpm पे, टॉप स्पीड 140, KTM RC 200 टॉप स्पीड 140 है इसकी टॉप स्पीड। और R15 भाई कहने को तो 155 जाती है, कहने को नहीं वो जाती है 155, और इसको ये कितनी जाती है वो अब कोई अगर चलाया है ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 13.7 लीटर यानी 13 लीटर 700 ml इसमें पेट्रोल आने वाला है। ये पोर्शन आपका फाइबर रहेगा यहाँ से, ये देखिए यहाँ तक ये पूरा इस तरह से मेट ब्लैक फिनिशिंग के साथ, यहाँ पे KTM लिखा मिलेगा, और ये ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग रहने वाला है, ये पूरा मेटल रहेगा। E20 वाला फ्यूल पड़ेगा, ब्लैक कलर इस तरह देख सकते हैं। और यहाँ पर इंजन के स्विच, यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट, यहाँ पर हाई लो बीम पासिंग टर्न सिग्नल हॉर्न यहाँ पर दिया गया है, और ये आपका अलग अलग हैंडल बार रहने वाला है
डब्ल्यू पी की यहाँ पर ब्रांडिंग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कोलेंट यहाँ से पड़ेगा। इसकी जो चाबी है कुछ इस तरह से चाबी मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया इग्निशन यहाँ पर, यहीं से हैंडल लॉक होगा। और मजबूती के लिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एल्युमिनियम है। ये देखिए, ये पूरा एल्युमिनियम से मजबूती दी गई है गाड़ी की, तो इसमें मजबूती में कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पूरा एल्युमिनियम पर ही टाइट है, मजबूती दे सकते हैं। और इसे पूरा फुली डिजिटल मीटर आएगा, घड़ी और आरपीएम, फ्यूल और यहाँ पर स्पीड, एबीएस, गियर सब यहाँ पर दिखाएगा, साइड स्टैंड लगा हुआ दिखाएगा, रोड, और इसमें आपको मोड भी शायद मिल जाता है। सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, यहाँ पर लो फ्यूल दिखा रहा है, साइड स्टैंड दिखा रहा है लो फ्यूल, उसके बाद यहाँ पर सेट है ट्रिप वन, ट्रिप टू, यहाँ पर रोड, और ये सब आपको कई सारे चीज़ें जो है मिलने वाली। यहाँ पर वार्निंग, पासिंग, यहाँ पर जो है इंजन टेम्परेचर, और ये आरपीएम लिमिट है, और यहाँ पर एबीएस, एफआई लाइट, इंडिकेटर, न्यूट्रल, ये सब आपका देख सकते हैं पूरा फुली डिजिटल रहेगा। एक बार ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं, देखिए सारी चीज़ें क्या क्या है सब बताएगा, सर्विस भी बताएगा, सब कुछ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। सामने देखेंगे तो इसमें इतनी जगह भी मिल जाती है, कपड़ा वगैरह साफ़ सफाई के लिए आप इसमें रख सकते हैं। देखिए पूरा इस आराम से आ गया, तो मजबूती आप देख ही सकते हैं, कूलेंट यहाँ पर है, और यह मजबूती देखिए इसकी चेसी कुछ इस तरह से केटीएम की ब्रांडिंग के साथ मिल जाती है। और ये देखिए पूरी गाड़ी, और अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसके अंदर 158 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, ठीक है। अंडर बेल एग्जॉस और 10-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन रहेगा मोनोशॉक वाला, और यहाँ पर ये स्विंग आर्म कुछ इस तरह से मिल जाती है, चेन एडजस्टर यहाँ पर दिया गया है, और पीछे जो है वो आपको मिल जाता है मड गार्ड, बहुत ही तगड़ा केटीएम की ब्रांडिंग के साथ, ये आपका मेटल पूरा रहेगा, ये आपका फोर्ट्रेस रहेगा रबर के साथ। ये देखिए यहाँ पर ये गार्ड दिया गया है, और अंदर इस तरह से मिलेगा इसका चेसी पूरा, आप देख सकते हैं बहुत ही मजबूत मिलती है। आरसी के यहाँ ब्रांडिंग, यहाँ पर चाबी लगा के आप सीट को खोल सकते हैं, ये आपका फाइबर, इसके अंदर ये पूरा मेटल लोहा है। यहाँ पर ग्रेवल भी मिलेगा, R15 में ये चीज़ नहीं मिलेगा भाई, ये चीज़ से ये गाड़ी सबसे अच्छी है कि मजबूती भी आपको मिल जाती है गाड़ी का, इस तरह से पूरा आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर चेन स्पोकेट देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। रियर में देखेंगे तो ये रेडी टू रेस की ब्रांडिंग, इस तरह से ग्राफिक्स मिलेगा, एलईडी वाले यहाँ पर आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं, पीछे से गाड़ी बहुत ही शानदार दिखती है, इस तरह से आप देख सकते हैं एलईडी वाले इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, नंबर प्लेट की लाइट यहाँ पर दी गई है, रिफ्लेक्टर देख सकते हैं आप पूरा, इस तरह से गाड़ी रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपका सारी गार्ड दिया गया है, चेन कवर और चेन स्पोकेट कुछ इस प्रकार का रहेगा, इस तरह से गाड़ी देख सकते हैं। तो गाड़ी अगर आपको 200 सीसी में या और आती है ये, और 125 सीसी भी मिल जाती है, और ये जो गाड़ी है भाई, अगर भोकाल बनाना चाहते हैं बढ़िया स्टूडेंट वगैरह है, और बहुत ही ज़बरदस्त ये लुक देगी आपके लिए, गाड़ी बेहतर से बेहतर रहने वाली है। तो ये जो गाड़ी है दोस्तों, इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस मिलेगा, सामने का डिस्क 320, पीछे 230 mm का रहेगा, और कर्व वेट इस गाड़ी का 160 kg इसका वजन है, सीट हाइट 835 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस 158 mm है, और ये जो चेसी है स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर है, वारंटी आपको 2 साल की मिलेगी, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो 5 साल की वारंटी मिल रही है इस गाड़ी पर, 5 ईयर्स की वारंटी मिल रही है इस गाड़ी पर। अभी लेंगे नवसारी KTM यहाँ से तो 5 साल की वारंटी मिलेगी। ऑन रोड कीमत की बात करें तो गाड़ी 2,45,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में यहाँ पर है, 2,45,000 ऑन रोड प्राइस। डाउन पेमेंट की बात करें तो सिर्फ 35,000 रुपये डाउन पेमेंट लाइए और इस गाड़ी को अपने घर ले जाइए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए।